याद आया जी कि हिंदुस्तान की सरजमीन में चंद नौजवान थे जी, तो आपस में दोस्ती थी, तो उन्हें पता चला कि फलां जो पहाड़ है उस पहाड़ के पीछे वहां पर सोना है, सोना, सोने की कान है। अच्छा, हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मकामात हैं जी, तो वहां सोने जी। अब जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में उनको एक झोंपड़ा नजर आया, तो उस झोंपड़े में गए तो एक बाबा जी बैठे हैं, एक बुजुर्ग बैठे हैं, तो उनसे अलग सिलैक हुई, तो बुजुर्ग ने उनको कहा कहाँ जा रहे हो, वो कहे जी हम यहाँ वो सोना तलाश करने जा रहे हैं, हमने देखा कि आप बैठे तो हम सलाम कर लिया, तो वो बाबा जी उनको को नसीहतें करना शुरू कर दी, आखरत की, दुनिया दीन की और अल्लाह अल्लाह की बातें करना शुरू कर दी। तो उनमें से एक नौजवान ने कहा यार इन बाबा जी की बातें बहुत मजा आ रहा है, तुम लोग होके आओ तो मैं ज़रा कुछ देर इनके पास बैठता हूँ जी। सबने कहा यार अल्लाह के बंदे हम इकट्ठे आए इकट्ठे चलते हैं यार, ऐसा क्यों कर रहे हो, कहा नहीं यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं बैठता हूँ, तुम लोग होके आओ। बाकी जो पाँच छः नौजवान चले गए, ये बैठ गया, अब वो बाबा जी की खिदमत में बैठ गया और बाबा जी उनको जो भी नसीहतें करते रहे, को खाना पीना भी दिया वगैरह वगैरह, इस तरह चलता रहा मामला। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से वापस लौटे, जितना भी वक्त लगा वापस लौटे, तो उन्होंने अपने थैले भरे हुए थे टुकड़े सोने के, ये उन्होंने जमा किए में, तो आए तो आगे भी देखा भी हमने तो भर लिया यार, देखो तुम नहीं आए। इसको बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये तो वाकई मिल गया सोना। तो मैं खाम खा ये बाबा जी के पास बैठा रहा यार, बड़ा सदमा हुआ। तो अब वो बाबा जी ने भांप लिया कि भई ये नौजवान के माथे पे बड़ा सदमा और अफसोस है। खैर वो नौजवान ने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम फिर आ जाना भाई, हम तो निकलते हैं। वो ने चले गए। अभी अभी उन्हीं के पास ही थे तो बाबा जी को कजाए हाजत की जरूरत पेश आई और कहा कि चलो, वो लोटे में पानी तो नहीं था, और कहा कि चलो चलते हैं, खेतों में चले गए। अब वहाँ खेतों में जब गए तो वहां से बाबा जी ने आवाज लगाई इस नौजवान को कि वो इस्तंजे के ढेले जरा लेके आओ, संडे के ढेले। अब वो जंगल में ढेले ढूंढने लगे। अब वो नौजवान जिस ढेले को उठाता वो सोना बन जाता, सोना बन जाता, वो उसको फेंक देता, फिर दूसरा उठाता सोना बन जाता। अब वो बाबा जी जल्दी कर रहे भाई जल्दी लाओ भाई इस्तंजे के लिए ढेले, वो जिस ढेले को उठाते सोना बनता उसको, और इसको ये पता है सोने से संजा होता नहीं। अब वो जो ढेला उठाता, अब वो बाबा जी से शोर मचा रहे जल्दी लाओ। अब आखिर इसने कहा कि असल में बाबा जी वो जिस मैं ढेले को उठाता हूँ वो सोना बन जाता है, ढेला को मिल नहीं रहा। तो इसे नौजवान सोचा पत्थर ही उठा लेता हूं, तो पत्थर उठाए वो भी सोने का डरा बन गया। तो बाबा जी का क्या हुआ, क्यों देर कर रहे हो, कहा जी मैं ये पत्थर उठाया ये भी सोना बन गया, ढेले उठाए वो भी सोना बन गया, तो इस्तंजे के लिए तो मिट्टी का ढेला चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा इसलिए देर हो रही है जी। तो बाबा जी ने अब एक बात कही, कहा कि बेटा जिस चीज से इस्तंजा जायज नहीं तुम तो उसकी तलाश में जा रहे थे। वाह, जो ऐसी अल्लाह की नजर में नाकारा चीज है कि जिससे इस्तंजा नहीं हो सकता, पाक होकर खुदा के सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो उसके पीछे तुम जा रहे थे पहाड़ के पीछे। वो मिट्टी का ढेला जिसके अंदर अल्लाह ने वो खूबी रखी, वो तुम्हें पाक करके खुदा के सामने खड़ा कर देता है, उस मिट्टी की कदर नहीं तेरी नजर में। अब चोट लगी उस नौजवान के दिल में, ओहो अब ये बसीरत की आंख खुली कि ओहो जिस सोने के ऊपर मर रही सारी दुनिया वो सोना तो इस काबिल नहीं कि तुम्हें इस्तंजा करा सके, और जबकि मिट्टी का ढेला उसमें वो कमाल है कि मिट्टी का तुम्हें वुजू करा, तयम्मुम में वुजू भी करा देता है, तुम्हें इस्तंजा भी करा देता है, और तुम्हें पाक करके अपने मालिक के सामने खड़ा कर देता है, उस मिट्टी की तुम्हें कीमत नहीं समझते। ये बात किसी की चोट लगी। उसके बाद खैर बुजुर्ग ने तो नसीहत की, आ गए तो वो उस नौजवान ने कहा हजरत आज बसीरत की आंख खुल गई है, अब मैं हूं और आपका दामन है, मैं आपके पास रहूंगा। 20 साल तक खिदमत में रहे, और वो नौजवान कौन था, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, सुभान अल्लाह, मोहम्मद बदायूं उसका नाम था, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बना, और वो शेख और मुर्शिद कौन था, बाबा फरीदुद्दीन शक्कर, सुभान अल्लाह। वाह वाह क्या किस्सा है, क्या किस्सा है। आज हमने समझा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं, खुदा को पहचाना नहीं है। ये सोने चांदी के ऊपर आज मरते हैं, उस पर जिंदगियां फना कर दी हमने, जिस सोने चांदी के अंदर इतनी हकीकत नहीं है कि आपको पाक करके अल्लाह के सामने खड़ा कर सके जी। और जिस मिट्टी के अंदर हमें जाना है, और जिस मिट्टी में वो कमाल है कि तुम्हें इस्तंजे से भी पाक करता है और तयम्मुम करा के खुदा के सामने खड़ा करने काबिल करता है, आज उस मिट्टी की हमें फिक्र नहीं है, उस मिट्टी की वैल्यू नहीं जी।
तो ये वो बसीरत की आंख है जो अल्लाह वालों की नसीहत से मिलती है। जब बंदा इस बसीरत को आंख खोल लेता है, फिर अगर सोना पहनता भी है तो उसकी वक़्त नहीं होती जी। इस वक़्त ना होने की वजह से वो ज़ीनत हासिल करता है लेकिन तकब्बुर नहीं करता, गुरूर नहीं करता। बस यही अल्लाह वाले कहते हैं कि ये जो सोने चांदी के और हीरे जवाहरात के हैं ना तुम्हारे पास, इस पे किबर ना करो, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारी जीनत के लिए चीजें दे रखी हैं, हाँ जीनत तुम इख्तियार कर लो, उसे मना नहीं किया, लेकिन इस पर तुम किसी तकब्बुर में आ जाओ, इसकी कोई वक़्त समझो। वक़्त उस मिट्टी की है जिस मिट्टी के अंदर तुम्हें जाना है, उस मिट्टी को अल्लाह तबारक व तआला ने कल को जन्नत का बाग बनाना है। आज उस मिट्टी की खबर के लिए, उस मिट्टी के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते, बिल्कुल नहीं, उस मिट्टी की जमीन पर सजदा करने की कोई मेहनत नहीं करते, जबकि मिट्टी का बना इंसान जो इस हकीकत को समझता नहीं। तो देखो बाबा फरीद गंजशकर के दो लफ्जों ने जो है मोहम्मद बदायूं की जिंदगी बदल दी है। सही है। तो हकीकत यह है वो अल्लाह वालों की आंख के जिससे इंसान जो है वो दुनिया की हकीकत पहचान कर आखिर तरह निकाह उठा। इन्होंने क्या मकाम हासिल किया है इस दुनिया में, दुनिया में सुल्तान हिंद बने, क्या अल्लाह ने मुकाम दिया, और बाबा फरीद का शक्कर जैसा शेख दुनिया में नहीं आया, कोई शेख दुनिया में ऐसे लोग सारी दुनिया भी इनके पीछे अभी पीछे। वाह सुभान अल्लाह, बहुत आई ओपनिंग, आई ओपनर था बड़ी ये आज की जो जो जी किस्सा है। ऐसे किस्से हैं जिनसे हम लोग महरूम हैं, और ये सुनना जो है बहुत हमारे लिए जरूरी है, जरूरी है बिल्कुल, और इसको सुनने से दिल रोशन हो जाता है। तो वाह वाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा।